दोस्तों, इस लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए और इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक कीजिए। अब ओए, कहाँ से सर पे लेके आ रहा है खटारा को? चल हटा रास्ते में, चला हटा, साइड दे मुझे। अबे ओए सुन जरा, जिसे तू खटारा बोल रहा है ना, अगर इसका पिछला वाला पहिया मैंने बेच दिया तो तेरे ऐसी दो गाड़ी ले आऊंगा, इसलिए चुपचाप पीछे हटा ले, चल हटा ले। अबे पहले मेरी बात सुन, ये कार है और वो तेरा खटारा ट्रैक्टर, इसकी और उससे नहीं हो पाएगी, इसलिए चल पीछे हटा ले राज से, समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा ये तो हटने वाला है नहीं, अब तुझे जो भी कुछ करना है वो कर ले तू, ये तो यहीं पे खड़ा रहेगा। अब पड़ेगा। अबे क्या बोल रहा है तू? अच्छा बेटा, हमारे गांव में आके धमकी ही दिखा रहे हो? अबे तेरा गांव है तो तू मुझे धमकी देगा? तेरा रास्ता मुझे धमकी देगा तू? अच्छा, अबे रोता तू? अबे महावीर तू, अबे साला तूने तो ट्राई नहीं आया। और बढ़िया भाई। हाँ बढ़िया भाई, और कहाँ से आना हो रहा है यार? दिल्ली से आ रहा हूँ यार, बिजनेस के सिलसिले में आया था तेरी बिजनेस, सोचा यार अपने दोस्तों से ही मिलता चलूँ। अच्छा भाई, तो तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए अलग के। हाँ भाई यार, हमने तुझसे बोला था उस समय पर यार कि तू भी चल हमारे साथ, लेकिन तूने कहा मानी हमारी। कोई नहीं यार, अपना तो खेती बाड़ी का काम है यार, तू ही कर रहा है। चल ठीक है यार, खेती बाड़ी में लगा पड़ा है, हम तुझे ऐसी ट्रिक देंगे कि तेरा भी कुछ प्रॉफिट होगा। चल ठीक है यार, हम खड़े खड़े बात करेंगे, चल आ चलते हैं, तू बोले बैठ के बात करते हैं। अच्छा चलो गाइस आओ मेरे साथ, दोस्त के पास घुमा के ले जाता हूँ ट्यूबवेल पर। भाई ये अपने यहाँ पे ट्यूबवेल है और यहीं पे हम लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं और सब कुछ यहीं पे रहेगा। अगर मैं आपको कहीं भी नहीं मिलूंगा तो यहाँ पे अपने ट्यूबवेल पे जरूर मिलूंगा, तो बैठो आप लोग यहीं पे। सही है रोहतास भाई यार, बैठो अभी लोग बैठ जाओ। रोहतास भाई आज भी यार वही माहौल है जो पहले था। हाँ गाँव में तो तुम जानते ही हो यार, वही सब कुछ है और क्या है। नजारा तो काफी दिलकश रहता है गांव का, गांव की लाइफ सही रहती है। चलो ठीक है आप बैठो, अभी मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है ठीक। पुष्पेंद्र बोलिए सर। आज देखो मेरे दोस्त रोहतास के लिए आज भी देसी का देसी गवार का गवार रह गया। मैंने इसे कहा था कि चल मेरे साथ शहर कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे, आज मुझे देखो मैंने शहर जाकर अपनी लाइफ को कितना चेंज कर दिया, आज मेरे पास कितना पैसा है, शान शौकत की जिंदगी जी रहा हूँ मैं। लेकिन ये रोहतास आज भी देसी का देसी गवार का गवार है। लो भाई पानी पियो पहले। तो भाई दोस्त रोहतास। हाँ बोलो भाई। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में आजकल? कुछ नहीं चल रहा है यार, खेती बाड़ी कर रहे हैं और मैंने तुम्हें तो बताया खेती यही काम है और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं यार। आओ तुम्हें दिखवाता हूँ यार क्या है। चलो दिखवाओ क्या क्या बो रखा है आपने। और ये देख यार, जहाँ तक तेरी निगाह जा रही है ना, यहाँ तक जो जमीन है ये सब अपनी जमीन है और इसमें सब पूरी जमीन में धान लगा रखे हम लोगों ने। यार रोहतास तू इस खेती बाड़ी में हर समय लगा रहता है, इस खेती बाड़ी से क्या हासिल कर लेगा? देख यार रोहतास, मैं तुझे एक ट्रिक देता हूँ, तेरे पास ही इतनी सारी जमीन है, तू चाहे तो इस जमीन को बेचकर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है मेरी तरह, और तेरी लाइफ भी अच्छी खासी सेटल हो जाएगी मेरी तरह। तो ये तू जिंदगी अपनी चेंज कर दे और मेरे साथ शहर चल और वहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे। मेरे दोस्त, अगर देश का हर एक किसान अपनी जमीन को बेचकर शहर में सेटल होने लगा तो हमारे देश में खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे देश में जितनी भी कंपनी लगी हुई है वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि अनाज तो किसानों के द्वारा खेतों में ही पैदा किया जाता है। देख भाई रोहतास, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए मेरा फर्ज है तुझे समझाने का, अब बाकी आगे तेरी मर्जी। ना भाई मैं तो इसी जमीन में ठीक हूँ, खेती बाड़ी करेंगे अपने। चल भाई जैसी तेरी इच्छा, आ जा। चलो भी गाइस निकलते हैं फिर। अच्छा रोहतास जी ठीक है भाई। अरे भाई रोहतास। हाँ भाई। अरे यार अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दे दे, कभी बात करने का दिल करा तुझसे बात तो भी हो जाएगी यार। हाँ लेको भाई चलता हूँ।
सारा दिन हो कतल तेरे यार का कोन फाल तू की बात मयो टाइम गाड़ दे खेत का मैं राजा नि चरवली लफोड़ कोना ओडियां का शोक जमींदार पाड़ दे तू तो पैरस है ब्रांड मेरी लुक देसी रह मेरे भोले बाले यार कंधे रख किसी रह मना इना गेला आवे से सवाद जीण का तेरे शहरा वाले चोचले ये आते ना पसंद तू तो शौक रख बारह मिनट किला पीण का तेरे शहरा वाले चोचले ये आते ना पसंद तू तो शौक रख बारह मिनट किला पीण का कौन? हाँ भाई रोहतास बोल रहा है क्या? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? तेरा दोस्त महावीर बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ भाई महावीर बोल यार, कुछ जरूरी बात करनी थी तुझसे। कहाँ पर मिलेगा सर? यार अपन तो टूवेल पर ही हैं अभी। अच्छा टूवेल? हाँ चल ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। चल ठीक है आ जा। हाँ भाई। अरे इधर आ यार। अच्छा अभी आ रहा हूँ भाई। आ गए? और बढ़िया। हाँ बढ़िया। और कैसा आना हुआ बताइए? यार उसी सिलसिले के बारे में आए थे, बिजनेस के बारे में जो डिस्कस हुआ था अपना फोन पर। अच्छा हाँ बताओ क्या बात। रोहतास भाई देख, गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ स्कीम निकली है, उसमें तेरा बहुत लंबा प्रॉफिट होगा। ठीक है मैं तुझे बताता हूँ अभी। अरे भाई तुझे जो भी कुछ कहना है ना साफ साफ शब्दों में मुझे बता दे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ। देख इधर सरकार की तरफ से ये न्यूज़ स्कीम निकली है। ठीक है इस स्कीम में ये फायदा हुआ कि सरकार अपनी कुछ फैक्ट्री लगाने के लिए स्पेस देख रही है, इसलिए मैंने तुम्हारी ज़मीन के लिए सबसे बेस्ट समझा है, क्योंकि तुम्हारी जो एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी हुई है उसमें वो गवर्नमेंट अपना फैक्ट्री वगैरह जो भी लॉन्चिंग कर सकती है। ठीक है उसका 40% आपको मिलेगा और 60% कंपनी के लिए मिलेगा। तो अगर आप एग्री हो तो इस कार्य के लिए हम आगे बढ़ाते हैं, और आप अगर आपको विश्वास है मुझ पर तब। यार इसमें गवर्नमेंट का क्या विश्वास कि गवर्नमेंट हमें पैसा दे या नहीं दे? देख रोहतास मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, ये कंपनी बहुत ही तेरे लिए प्रॉफिट करवाएगी और इसके लिए आगे बढ़ा। और अगर तुझे गवर्नमेंट पर बिलीव नहीं है तो तू मुझ पर बिलीव कर, मैं तेरा दोस्त हूँ, और तू चाहे तो मुझसे अभी पैसे कैश हैंड भी ले सकता है। चल ठीक है कोई बात नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, ला बता साइन कहाँ पे करने हैं। साइन साइड में। चल भाई बता। चल ठीक बता कहाँ लगाना है? यहाँ पर लगा। और कहीं लगाना है? बस बस हो गया। पैसे निकाल लगा। यार इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे रोहतास यार मैं कितनी बार बोलूं, तुझे मुझ पे विश्वास है ना, तो प्रॉब्लम की तो छोड़ दे बिल्कुल, दिमाग से निकाल दे। ठीक है ठीक है। इसमें 10 करोड़ रुपए हैं, बाकी तेरी जो एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी हुई है वो 30 करोड़ के समथिंग है। ठीक है ये 10 करोड़ मैंने तुझे दे दिए हैं और बाकी 20 करोड़ कंपनी तुझे देगी। ठीक है ठीक है चल चल। सर तुमने आज अपने दोस्त के साथ बहुत गलत किया, उनकी 30 करोड़ की जमीन मात्र 10 करोड़ में ही हड़प ली, वो भी सर धोखे से। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, आज के टाइम पर पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, व्यक्ति अपने भाई बहन पूरे परिवार को भूल जाता है पैसे के आगे, समझ रहे हो ना। अब वो तो मेरा मामूली सा दोस्त था, उसके साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसकी औकात भी यही है क्योंकि वो गाँव का गरीब है ना। कोई बात नहीं सर, तुमने अपने दोस्त को दोस्त नहीं समझा बल्कि दुश्मन समझ लिया।
बाद आए अपनी फैक्ट्री का निर्माण करवाने के लिए और आपने अपने दोस्त के साथ विश्वासघात कर दिया पहले से ही। कोई बात नहीं, सारे अंडर हो तो सब एडजस्ट हो जाएगा। ओके सर। हेलो हेलो, आप लोग कौन हो और कैसे आना हुआ? यहाँ पर रोहतास नाम का एक लड़का रहता था, वो हमारा दोस्त था और उसकी एक्स्ट्रा जमीन पड़ी हुई थी, उसे हमने खरीद लिया था और हम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री का निर्माण करने आए। आपने खरीद लिया? जी नहीं, रोहतास ने तो हमारी कंपनी से 30 करोड़ रुपए का लोन लिया था और वो चुका नहीं पाए, इसलिए ये सारी जमीन हमारी हुई। नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उससे खुद ही डिस्कस किया था उस समय। यह रोहतास की जमीन के डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट तो एक्यूरेट है। उससे रोहतास ने मेरे साथ तो बहुत बुरा किया, 10 करोड़ रुपए लेकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सुबह से कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं लग पा रहा उसका। सर एक्सक्यूज मी सर, कोई एड्रेस वगैरह आप जानते हैं रोहतास का? जी हमारे पास तो ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। ठीक है सर, तो हम निकलते हैं। रुकिए सर, उसका एड्रेस मुझे पता है। हाँ सर बताइए। उसके गाँव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसके पास उसका घर है। बड़ा सा पीपल? हाँ। एक्यूरेट जगह है? पुष्पेंद्र। यस सर। मुझे रोहतास ने इस तरीके से मूर्ख बना दिया और उसने मेरे 10 करोड़ रुपए लेकर पता नहीं जाने कहाँ गायब हो गया है। सर मूर्ख रोहतास ने नहीं, मूर्ख तुमने बनाया उनके लिए। उनकी 30 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में हड़पनी सोची और वो तुमसे भी ज़्यादा चालाक है। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ ले। यार वो बता रहा था पीपल का पेड़ तो यहीं पर है, चलो इन सर से पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप रोहतास को जानते हैं क्या? खेती बाड़ी करते हैं वो। हाँ हाँ, जो गाँव से बाहर जिनका ट्यूबवेल लगा हुआ है काफी जगह है। उनका घर पीपल के बराबर में है, सफेद रंग हुआ है उनके घर पे। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। लगता है ये वाला घर बताया था मैंने, चलो देख लेते हैं पर ट्राई करके। नंबर है कोई? जी कौन? जी रोहतास से मिलना था हमारे लिए। क्या काम था? कुछ इमरजेंसी काम है हमारा, उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, रुकिए मैं बुलाता हूँ। भैया आपसे कोई मिलने आया है? देखो। अच्छा कौन है, पूछा क्या? बताया नहीं उन्होंने। ठीक आप ठीक है, तुम मिलवा दो उनसे। हाँ भाई महावीर, तुम जी कैसे आना हुआ? कैसे क्या आना हुआ रोहतास यार, तूने तो हमारे साथ विश्वासघात किया, तूने हमें धोखा दिया है। डील फाइनल की हमने तुझसे तेरी जमीन की, लेकिन तूने किसी और को बिठा दिया वहाँ पर, ये तूने क्या किया हमारे साथ? मेरे दोस्त, विश्वासघात तो तूने किया था मेरे साथ। चल पहले घर में अंदर आ जा, अंदर आके बात करते हैं। चलो भाई। दोस्त धोखा तो तुमने किया था उस दिन मेरे साथ, मेरी 30 करोड़ की जमीन को आप मात्र 10 करोड़ रुपए में हड़पना चाहते थे। तुम्हारे उन इलीगल डॉक्यूमेंट पर मेरा अंगूठा लगवा लिया और मैंने एक ही निगाह में तुम्हारे सारे कागजों को पढ़ लिया था। देखो भाई रोहतास यार, जो हुआ ये हमारी मिस्टेक समझ लो या भूल समझ लो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? और जो हम आपके लिए जो पैसा दे चुके हैं वो हमारा पैसा वापस कर दीजिए। और हम इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा हैं कि आज हम अपने दोस्त से इस तरीके से बिहेवियर कर पाए। देखो मेरे दोस्त, तुमने दोस्ती का नाम नीचे किया है, इसलिए तुम्हारे पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप चले जाएं। यार दोस्त मेरी बात को मान जाओ, वो पैसे वापस कर दे, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा यार। वो मैंने अपने पास से तुझे पैसे दिए थे, ये तो पता होगा तुझे। पैसे नहीं मिलेंगे मेरे भाई, जाओ। चल भाई, दोस्ती के नाम पे आज तुझे दिखा दिया हूँ। अरे वो महावीर इधर आ रहा। हाँ बोलिए यार रोहतास भाई। देख तेरे पैसों का बैग वहां पे रखा हुआ है, चल उठा ले और निकल जा, तेरा एक भी पैसा उसमें से कम नहीं हुआ है। थैंक यू यार। भाई यार मैं तेरा एहसान भी बने घूमूंगा भाई यार, तुमने ये पैसे वापस करके यार जिम्मेदारी दे कर दिया। मैं अपने पॉजिटिव बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा यार, क्योंकि मैंने ये पैसे तुझे अपने पास से दिए यार। थैंक यू यार। चल भाई यार गले तो मिल गया। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जा। सुन मेरे दोस्त, हम देसी हैं ना कि गवार, कभी देसी से पंगा मत लेना।
तेरे संग जीना।